दूसरे जो मुकदमे की गिरफ्तारी है वो तीन जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक आसिफ जरदारी का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। दूसरा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब ने अभी फैसला किया, एक ताजा, ये उसका केस है। और तीसरा जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि किसी और केस में इनको गिरफ्तार ना किया जाए। शानदाना गुलजार का केस है और आफरीदी का केस है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को, मुल्क के निजाम अदल को रोंद कर ऊपर से गुजरना चाहे तो दूसरी बात है, आईन और प्रेसिडेंट लॉ वो मैंने आपके सामने बता दिया है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए, हमारी जिद्दोजहद कोई किसी एक मुकदमे के खात्मे के लिए, एक जेल से रिहाई के लिए नहीं है। हम आप सब बड़ी जेल में हैं, हम आप सबको रिहा करवाना चाहते हैं। आप सबके घरों के चूल्हे बंद कर दिए गए हैं 16 माह में, हम उसके खिलाफ हैं। आप सबके ऊपर वो जुल्म हो रहा है इस वक्त, मुआशी तौर पर पाकिस्तान मईशत का कब्रिस्तान बन गया, इंसानी हकूक का कब्रिस्तान बन गया, औरतों के हकूक का कब्रिस्तान बन गया। कल मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं मैं यूएन के साथ काम करता हूं ह्यूमन राइट्स पे, तो मैंने कहा क्या काम करते हैं, कहता है फाटा और अफगानिस्तान में हम खवातीन के हकूक के लिए। मैंने कहा लाहौर की खवातीन अजनबी है तेरे लिए? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बावजूद तय हुआ है कि रहा नहीं किया जाएगा। जिसने तय किया उसका नाम बताओ, मैं तबसरा करूँ।